मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 117 नामों की घोषणा की गई है, जिसमें भोपाल मध्य से मौजूदा विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह को ही वापस उम्मीदवार बनाया गया है, जिसको लेकर उनके समर्थकों में काफी खुशी रही। उनके समर्थकों ने उनको टिकट मिलने की बधाई दी। इस अवसर पर बीजेपी कार्यालय पहुंचे सुरेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि उन्हें काफी खुशी है। उन्होंने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि इस बार और ज्यादा बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय राकेश सिंह जी और सभी वरिष्ठ नेताओं का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। और जनता के सहयोग से और कार्यकर्ताओं के सहयोग से पहले से भी बड़ी विजय मिले, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन नितिन मालवीय के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।